हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पे स्कूल पे। आज की क्लास में हम लोग कोण पढ़ेंगे। कोण की परिभाषा होती है दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है ना। कहने दो किरणें कैसे, जैसे हमारी एक किरण ये दी हुई है, दूसरी किरण हमको ये दी हुई है, ठीक है ना। पहली किरण हमारी ये हुई, दूसरी हमारी ये हुई, इसका जो झुकाव बनता है यहाँ से, ठीक है, इसको लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये भी हमारा कोण बन गया। अब देखिए, कोण का जो माप होता है इसको हम लोग डिग्री अंग्रेजी में कहें और हिंदी में अंश, और हम लोग इसमें पॉइंट लगाते हैं। हमने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है ना, ये डिग्री का साइन हो गया। अब देखिए, कोण की माप हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे समकोण क्या होता है, ठीक है। समकोण अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। दो किरणों के बीच 90 के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए कैसे 90 का कोण बनेगा हम लोगों का, एक सीधी लाइन ये हो गई एक, ठीक है ना, एक सीधी लाइन बिल्कुल आपकी ये हो गई, जो ये बनेगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बिल्कुल सीधी लाइन जो होगी उसको हम लोग क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का हमारा कोण हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण। अब देखिए दूसरा है हमारे पास न्यून कोण, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। वह कोण जो 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। भाई 90 डिग्री का सीधा बना, अब इससे हल्का सा अंदर बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। हमने एक लाइन ये खींची है, एक लाइन हमने ये खींच दी, भाई 90 का सीधा सीधा बनता, ये 90 का हो जाता आपका, सीधा बनाते हम लोग, हल्का से इसे अंदर कर दी तो हमारा कितने का हो गया, ये उससे कम का, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये जो हमारा बन गया, ये बन गया न्यून कोण, न्यून कोण। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं रिज कोण, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे रिज कोण कहते हैं। कितने का होता है भाई, 180 डिग्री का होता है। अब देखिए 180 डिग्री का कैसे बनता है, एक सीधी लाइन, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे सीधी, इसके जो बीच में बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 180 का। यदि हम पूरा मिला देते हैं ऐसे करके इसको, ऐसे यहाँ हमारा बन जाता है 360 डिग्री का, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, रिज कोण हो गया, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसे हम लोग अगला देखते हैं, अगला कोण कौन सा है इसमें, अगला कोण हमारे पास दिया हुआ है इसमें अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, देखिए हमने एक लाइन ये खींची, ठीक है। अब देखिए 90 से बड़ा है भाई, 90 सीधा होता है और 180 बिल्कुल वो होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा तिरछा, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हम लोगों का अधिक कोण, ठीक है, ये हम लोगों को हो गया अधिक कोण। इसमें मेरा उद्देश्य है आपको परिभाषाएं बताना, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रकार चांदी से माप के नहीं बता पाऊंगा। अगला हमारे पास दिया हुआ इसमें वृहद कोण। वृहद कोण क्या होता है हम लोगों का, वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं वृहद कोण। अब देखिए 180 से बड़ा कैसे होगा हम लोगों का, भाई मैंने आपको 360 अभी बता दिया था कैसे बनता है। अब देखिए हम लोग समझें इसको, एक लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है ना। अब हमारा जो ये एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, वृहद कोण, वृहद कोण। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, इसमें अगला है हमारे पास संपूर्ण कोण, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। देखिए वह कोण जिसका मान 360 डिग्री का होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक लाइन ले लीजिए, दो ले लीजिए, एक लाइन ये है आप लोगों की, एक लाइन, ठीक है ना, तो हमारा पूरा बनेगा जो फिगर ऐसे,
साइड में भी बन सकता है ऐसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे संपूर्ण कोण, ठीक है ना। इतने इसमें कोण के इंपॉर्टेंट टाइप थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। धन्यवाद।